आज हम जा रहे हैं जी 12-5 पे माचिस की एक। अब मैं कैसे चढ़ता हूँ बंदर की तरह दरस पे। देखिए ये 30 किलो ओवर वेट है। देखिए आज आप तो गाइस दूसरा साइन बोर्ड आ गया। देखिए माशाल्लाह जी, ये जी माशाल्लाह। क्या आपके साथ आना चाहते हैं तो लाजमी ट्राई करते हैं। कमाल की खूबसूरती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। ग्लास लेके जाएं, एक बोतल है, पूरा टैंक होता हम आपको, उन्होंने चाहिए था दे दिया। तो काफ़ी मज़ा, तो काफ़ी लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी पथरीला इलाका यहाँ से शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, ब्लॉग विदाज़ में खुश आमदीद। तो आज हम जा रहे हैं जी 12-5 पे। तो मौसम इतना अच्छा नहीं है, आज धूप नहीं है, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं 12-5 पे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइज़। आज आपने वीडियो लाजमी देखनी है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आज हम जाएँगे 12-5 पे। और हमारे लिए दुआ भी करनी है कि हम ये सफ़र बआसानी जो है ना पूरा कर सकें। ये तकरीबन 5 किलोमीटर है जी 12-5। तो लगभग अगर ये होता मैदानी इलाका तो यहाँ 1 घंटे का था, लेकिन लगता है 2 से 2.5 घंटे में लग जाएंगे चढ़ाई चढ़ते हुए। सफ़र का आगाज़ करेंगे जी सबसे पहले यहाँ पे जो एंट्रेंस गेट है उस पर। ये आप देखें लिखा हो जी हाइकिंग ट्रेल नंबर 5 और कुछ पाची तदबीर हैं, विजिट सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेल। ये देखें आप, अच्छा फ्रीली, यानी कि स्मोकिंग आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ उर्दू में एक है देखें आप जी माशाल्लाह, नो स्मोकिंग जोन। और ये नीचे लिखा हुआ है आप नो स्मोकिंग जोन में दाखिल हो चुके हैं मरगला हिल नेशनल पार्क, बशमूल वॉकिंग ट्रेल और इससे मुलक्का पार्किंग की हदूद में सिगरेट नोशी एक संगीन जुर्म है जिसकी सज़ा 1 लाख रुपये तक जुर्माना बमा कैद की सूरत में हो सकती है। बाकम चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद। तो यहाँ से हमारी हाइकिंग का आगाज़ होगा जी। ये देखें हमारे पीछे पार्किंग है, तो आज काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो काफ़ी फैमिलीज आ रही हैं जा रही हैं नीचे करो। तो ये मरगला, यहाँ देखें आप एक और भी यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, जंगली जानवरों की नकल व हरकत और अफजाज की वजह से गुरूब आफ्ताब के बाद ट्रैक पर जाना मना है। सीढ़ी आगे पीछे हो जाओ जो भी लिखा हुआ आगे। और ये देखें मरगला हिल की ये पूरी यानी कि इसका मैप है, तो बाकायदा यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे माशाल्लाह। ये देखें आप, ये देखें, चलो जी। तो यहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका है जी। काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो एंट्रेंस के बाद जो पहले यहाँ पे आए, दोबारा से बोर्ड लगे हुए हैं मरगला हिल नेशनल पार्क वेलकम। ये देखें आप, ये देखें एम अलान भी यहाँ जी आगे। ये देखें आप, तो काफ़ी फैमिलीज आ रही हैं जा रही हैं। तो हम भी अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, चल रहे हैं। क्योंकि नसीर भाई कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। तो साथ हमारे जी नसीर भाई के 2 बच्चे भी हैं। बेटा सुनाओ कैसे आप? ठीक है। सबसे बड़ा जी आप शरियार हो जी, और छोटे आप? साइम। और शरियार भी हमारे साथ हैं जी। तो अभी हम आस्ता आस्ता आगे चलेंगे। अभी 2 मिनट हुए थे जी आगे, हम अंदर आए हैं तो यहाँ पे सामने बोर्ड है। ये देखें मरगला हिल नेशनल पार्क, माचिस की ये एक दिया सलाई पूरे जंगल को राख कर सकती है। एनवायरनमेंट डायरेक्टर, बिल्कुल जी यहाँ आप आएँ घूमें फिरें फैमिली के साथ आएँ, लेकिन एहतियात करें क्योंकि भी हम तकरीबन 5 मिनट हुए थे तो आगे आए हैं। आगे हमें एक साइन बोर्ड नज़र आया, ये देखें। तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे भी रास्ता है, तो इस तरह 3 के साथ ये लिंक करता है और जो राइट साइड वो 12-5 है। तो अभी 5 से 8 मिनट हो चुके हैं तकरीबन, हमने आधा किलोमीटर सफ़र तय कर लिया है। मज़ीद अभी 4.5 किलोमीटर सफ़र है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आना चाह रहे हैं माइंड ब्लोइंग, बहुत मज़ेदार जगह है। देखें चारों तरफ घना खूबसूरत जंगल, फैमिलीज आ रही हैं। आज इतवार का दिन था, मौसम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। मज़ा आ गया मैं कहता हूँ जी, माइंड ब्लोइंग। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, कपल्स आना चाहते हैं, इस एंजॉयबल जगह आपको नहीं मिल सकती। क्यों जी नसीर आज़म भाई? बहुत पुरसकून, खुली हवा, ताज़ा फ्रेश, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। जहन फ्रेश करने वाली आबो हवा है यहाँ पे। इस अभी तकरीबन 1.5 किलोमीटर हुआ था, तो नसीर भाई ने मुझे कहा आज़म भाई आपको चैलेंज है कि आप इस रास्ते नहीं चढ़ सकते। आप नहीं चढ़ सकते? दिखाएं, ये देखें। बड़ी बात नहीं करता मैं, चोटी पे चला जाऊंगा। ये देखें, तो गाइस चैलेंज हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब मैं कैसे चढ़ता हूँ बंदर की तरह इस रास्ते, देखें आप।
95 केजी मेरा वजन है और मास इंडेक्स के मुताबिक मेरा 65 होना चाहिए, 30 किलो ओवर वेट। देखें आप मेरी फिजिक्स चेक करें आज आप। नहीं चढ़ सकते, वापस आ जाएं। और बस करो, तू मेरा वाकफ नहीं आला, किस साइड जावा दस तू? जिधर मुश्किल है वहां पे जाएं, इधर तो मैं भी चढ़ सकता हूँ। रेस्क्यू 1122 आ सकती है? नहीं आते हैं यहाँ पे। क्यों गाइस आए? फॉरेस्ट पहले आ जाएंगे। और चढ़ ऊपर, ठीक है बस हो गया, आ जाए। तो चैलेंज जीत गया मैं? आप जीत गए, आ जाए। ओ शेर हूँ भाई। गाइस आप चढ़ते हो तो चढ़ गया, उतरते हुए चांस है गिरने का। जीत गया। तो गाइस ये था पहला चैलेंज मेरा और नसीर भाई का, जो मैं जीत गया हूँ। और नसीर भाई हार गए। क्यों नसीर भाई? मैं हार गया हूँ भाई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, 1.5 लीटर वाली, 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक में जीत गया। तो गाइस दूसरा साइन बोर्ड आ गया है, तो 1.3 किलोमीटर हो गए तकरीबन 15 मिनट में। तो गाइस काफ़ी मज़ेदार रास्ता शुरू होता जा रहा है, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें आप, ये दरमियान में ऐसी जगह जहाँ पे जब बारिश होती है तो इर्द गिर्द जो पहाड़ियों हैं, ये देखें इनका जो पानी है ये साइड से आता है, ये देखें दरमियान से, ये प्रॉपर जो पत्थर हैं, ये देखें आप, जब बारिश होती है तो काफ़ी पानी लगता है, यहाँ आता जाता होगा। ये देखें आप, ये दरमियान में जैसे नाला इस तरह का बना हुआ है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत और दिलकश नज़ारे हैं। ये देखें माशाल्लाह, चला जी नज़ारे चेक करें सामने, कितनी खूबसूरत और दिलकश पहाड़ी है। इस समय देखें एक उम्रो अयाज वाला गार भी एक नज़र आया है। ये देखें आप, जी माशाल्लाह क्या खूबसूरत दिलकश नज़ारे हैं। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हो, अगर आप ट्रेल 5 में नहीं आए ना, आपने कुछ भी नहीं किया, यकीन माने हज़ारों परेशानियां मुश्किलात सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं अगर आप यहां पर आएँ। तो कितनी खूबसूरत जगह देखें, चारों तरफ घने जंगलात, मज़ा आ गया जी, खूबसूरत जगह है यकीन माने। अभी 2 किलोमीटर हुए हैं, तकरीबन 20 मिनट हो गए हमें चलते हुए, लेकिन कमाल की जगह ट्रेल 5। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो लाजमी ट्राई करें। तो गाइस माशाल्लाह कमाल का रास्ता है, कमाल की खूबसूरती है, जो लोग नेचर लव हैं। ये देखें रास्ता चेक करें आप, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अगर आप आना चाहते हैं यकीन माने इससे खूबसूरत दिलकश एंटरटेनमेंट वाली जगह आपको इस्लामाबाद में कहीं भी नहीं मिलेगी। मरगला पहाड़ियों के दामन में देखें आप, ये तो आजम भाई जंगल में मंगल बना हुआ है यहाँ पे, कमाल है जी कमाल। बंदा सोच भी नहीं सकता कि इस जंगल में अकेला कैसे आए यहाँ पे। रौनके देखें माशाल्लाह, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पहली चढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। लोगों की सांसें फूल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट होंगे। देखें आप 95 kg वजन के साथ बसानी, अभी 2 किलोमीटर हो गए चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। ये देखें आसानी से, इजी कंफर्टेबल होकर, ये देखें सभी। हमने थोड़े ट्रैक पे चले थे तो मेरे साथ बहुत ही क्यूट एक बच्चा है, ओवर वेट लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, वो चल रहा है और उसकी जो चलने का अंदाज़ है ना कमाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छोटे भाई कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन भाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अहमद भाई जी। तो सुबह सुबह जो इसकी वर्जिश करवा रहे हैं, ओवर वेट हो गए कम करवा रहे हैं? थोड़े से ओवर वेट हो गए, अभी ये कम हो जाएगा इंशाल्लाह, ये भी कोशिश कर रहे हैं। तो खाने पीने में कमी की है, ये सिर्फ चलने की कोशिश कर रहे हैं? कमी कर की है। तो कितनी उम्र है आपकी? मेरे 11 साल। 11 साल, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4 क्लास है माशाल्लाह जी, लेकिन कमाल है। अभी वजन तो इनका ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ये कमाल की हाइकिंग कर रहे हैं।
तो साथ जो दूसरे भाई को फ्री में सजा मिली है, अहमद भाई नाम है आपका जी? बिल्कुल अहमद भाई, देखें जी काफी कमजोर हैं लेकिन इसके बावजूद जी कमाल है जी। बिल्कुल थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। आखिरकार हमें जो जंगल की सौगात जिसे कहते हैं मंकी नजर आए हैं, ये देखें आप, वाह काफी लोग यहाँ खड़े हैं मंकीज का नज़ारा कर रहे हैं। देखें तो मंकीज भी इस ताड़ में कोई चीज़ हमें मिले और हम छीन के भाग जाएं। तकरीबन एक घंटा हो चुका है तो मेरे दोस्त यार साहब पीछे रह गए, तो अब उनकी खातिर में यहाँ पे ब्रेक करूँगा और पानी शानी पीऊँगा क्योंकि मैंने पानी आपके बैग के साथ एक्स्ट्रा लाया हुआ था। एक घंटा हो चुका है और तकरीबन टू एंड हाफ किलो हम चल चुके हैं, तो अभी मैंने सोचा कि पानी साथ लाया था बैग में, थोड़ी सी वाटर ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि मेरे जो फेलोज थे साथ आए थे मलक नसीर साहब, वो तो पीछे रह गए थे, उनके इंतज़ार किया 5 मिनट तकरीबन, तो अब बैग खोलेंगे और यहाँ पे हम पानी पियेंगे। क्यों जी नसीर साहब पानी पीना है आपने भी? पानी ख़त्म हो जाएगा, अभी तो चढ़ाई चढ़े ही नहीं है। ये देखें जी आजम भाई क्या लगता है पहुंच जाएंगे ऊपर? यार डबल पहुंच जाऊंगा, ये भी कुछ चढ़ाई है। बिस्मिल्लाह जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम आपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियामत मुझे जतलाओगे जी? मज़ा आ गया, पानी हो नांगा पर्वत पे चढ़ जाऊंगा मैं। चलो जी नसीर भाई बस सिर्फ पानी चाहिए जी, आपके पानी आए सर पिए जी सर, गिलास लेके जाएं भाई को दिखाएं जी। माशाल्लाह भाई को पानी चाहिए था, हमने कहा ये कोई एक बोतल है पूरा टैंक होता हम आपको दे देते, लाएं पी के। थैंक यू जी। देखें जी नेकी करनी चाहिए, हमने उठा के पानी लाया था लेकिन हमने उन्हें चाहिए था दे दिया, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है जी, मज़ा आ गया जी नसीर भाई जी। क्या मज़ा आ गया, पैदल चल चल के बुरा हाल हो गया आजम भाई।